क्योंकि उनका बर्थडे है। अच्छा, उनका बर्थडे। बलून है वहाँ पे। वहाँ पे बलून है और क्या क्या है बताओ? अगर नहीं लाए तो मुझे पता नहीं था वो कौन सा कलर करा, बताओ ना। पिंक कलर करा। पिंक पिंक। अभी आप पीछे जाओ, आपका ड्रेस दिखाओ, दिख ही नहीं रहा। पीछे चलो, दोनों का ड्रेस दिखाओ और पीछे चलो। घूमते ही का मेरी थोड़ी सी घूमती, थोड़ी सी घूमती, और ये देखो मेरी बड़ी है थुप थुप ला मेरी थोड़ी पतती हूँ। एंजॉय करोगे बर्थडे में? इशिका आप लोग नहीं जाओगे? आपने बोला था हम दोनों ही जाएंगे। हाँ आप दोनों जाओ। आप इशिका का ध्यान रख लोगे? इशिका का ध्यान रख। हाँ वो मैं दूंगी गिफ्ट, ओके? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ही देंगे, ओके? ओके हम मिलके देंगे। मैं तेरे मम्मा नहीं आएगी, ओके इशिका? ओके। को दिखाया मैं बेटा। वाओ ये तुम्हारी नहीं है, ये पति की है, ओके? वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे का। दादू दादी दादू मैं दूंगी। फाड़ना मत, ओके? खुश हो, कवर अच्छे से देना। नहीं करना मुझे। क्या नहीं शेयर करना है? आप अच्छे से रहना, मम्मा साथ में नहीं चलेगा बेटा। हाँ बच्चों की पार्टी है, ओके? आप दीदी के पास खड़े रहना प्यार से अच्छे से, ओके? मैं लूंगी उनको गिफ्ट, ओके? मैं भी दूंगी। और मैं टैटू की खाऊंगी, क्योंकि आपका बर्थडे ना मेरे साथ है। मेरे हाथ लगाएंगे टीचर। तो इतना क्यों घूम रहा है? बाल सच में खराब हो रहे हैं आपके। इसी का चूड़े देखो हो रहे? आपके ही जो हो रहे हैं, ऐसे कूदा कूदी कर रहे हो तो हो ही रहे हैं। मेरे तो होंगे। हाँ तो ऐसे ज्यादा उछला कूद, उछला कूद मत करो। अरे आओ इधर बैठ के रहेंगे। होगा होगा वेट। केक कप। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, हैं? बताओ क्या बोल रहे हो? इसका क्या बोल रहे हो बताओ मेरे को? क्यों नहीं जाओगे स्कूल, क्यों नहीं जाओगे? दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया है और अभी मैं कुछ पेंडिंग काम है जो कंप्लीट करूँगी। तो ये घी हम लोग वैसे तो राजस्थान से प्योर गाय का घी लेके आ जाती हूँ मैं 4-5 kg, बट अभी मैं क्या ना अभी लेके आई हूँ, बट ये पहले का एक पैकेट बचा हुआ था तो ये आप पहले यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वो यूज़ करेंगे जो प्योर रहता है। बाकी ये वाला मजबूरी में हम लोग लेके आए थे, जब वो फिनिश हो गया तो बार बार वहाँ जाना नहीं हो पाता है तो नहीं ला पाते, फिनिश हो जाता है तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, नहीं तो राजस्थान जाके आते तो पक्का वहीं से 4-5 kg लेके आ जाते, तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे घर पे चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी तो कोई यहाँ पे खाता नहीं है, बस पराठे वगैरह कुछ बनाती हूँ या कुछ मीठा बनाती हूँ तो, या रोटी चोपड़ने के उसमें काम आता है।
और इस कवर में बहुत सारा घी बच जाता है, तो उसको निकालने के लिए मैं एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा गुनगुना पानी करती हूँ और फिर उस कवर को उस गुनगुने पानी के अंदर डिप कर देती हूँ। तो उससे क्या है ना, सारा के सारा घी पिघल जाता है, पेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे पूरा अच्छे से पानी में, थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा हल्का सा गुनगुना कर दिए तो अंदर से घी मेल्ट हो जाता है, फिर उसको ईजीली अपन उसको निकाल दे सकते हैं उस बर्तन के अंदर और फिर बाकी कवर को फेंक दे सकते हैं। ये देखो बचा कुचा घी भी सारा निकल गया। और सब्जी मैंने बनाई है भिंडी की, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, इसलिए शेयर नहीं की। क्या शेयर करा ये आप खाना सीख रहे हो अभी खुद से? एक बार खा के दिखाना तो कैसे खाना खाते हैं। ओ वाह, आप तो सीख गए। एक और खा के दिखाओ, एक बाइट और। वेल एक दिन स्कूल जाने से सीख गए खाना खाना, है ना? और खा के दिखाओ। हाँ खाओ, खा लो, खा के दिखाओ कैसे खाते हैं। ईशी को आज क्या लेके आओगी स्कूल से? हाँ हाँ, यूनिफॉर्म लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? हाँ, फिर ईशी का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाएगा ना। रुको, वेट, यूनिफॉर्म पहन के जाओगे फिर? हाँ, बुक्स भी लेके आएंगे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर, ओके? और ईशिका की बुक भी आज आ गई, ये हाफ सेमेस्टर के मतलब दीपावली तक की बुक्स हैं और उसके बाद में सेकेंड वाला सेमेस्टर की बुक्स उसके बाद में मिलेगी, क्योंकि बच्चे जल्दी ख़राब कर देते तो उन्होंने आधी दी है। आधी में भी बहुत सारी बुक्स लग रही है मुझे तो, इतने छोटे बच्चे नर्सरी के, इतना सारा कुछ है ना इसके अंदर, कलर्स वगैरह सारा, 20 तक काउंटिंग, ABCD, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कलर्स वगैरह सब कुछ। और खुशी तो बहुत इंटेलिजेंट थी, वो अकेली थी तो मैं उसको बहुत पढ़ा पाती थी। अभी दो बच्चे हैं तो मैं ज़्यादा खुशी पे ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि उसकी अब टफ हो रही है पढ़ाई, तो उसको ईशिका को ज़्यादा पढ़ा नहीं पाती हूँ, पर ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। तो बहुत सारी बुक्स थी, अब इनको कवर चढ़ाना है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये हटा दो टॉवल। शॉपिंग में नहीं, स्कूल जा रहे हो बेटा, स्कूल। ये हटा दो, ये हटा दो। दिखाओ आपने कैसे बाल बनाए, कितने क्यूट लग रहे हो, दिखाओ। टॉवल हटा दो। आज स्कूल में क्या है? योगा डे है। क्या है? योगा डे। आपको योगा करना है स्कूल में, ओके? योगा क्या? योगा ऐसे एक्सरसाइज होती है ना, वैसे एक्सरसाइज होती है वो वाली। हाँ वो वाली करोगे अच्छे से? अच्छे से करना, टीचर जैसा बताए ना वैसा करना, ओके? अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, अभी रेडी हो जा। हाँ अच्छे लग रहे। क्या हुआ? मैं छोड़ के नहीं आऊंगी बेटा, मेरे को नहीं आता, वो काम पापा ही करेंगे। दीदी का बस आ गया, दीदी को बाय बोलो। बाय खुशू। ईशिकू, ईशिकू अच्छे से खाना खाना, ए ईशिकू अच्छे से खाना खाना, ओके? टिफिन, ओके? बाय बाय।
और अभी मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ उपमा और करेला की सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि सासू माँ बनाएंगे वो बहुत टेस्टी बनाते, तो वही बनाएंगे। और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अभी, तो बच्चों को तो टिफ़िन में पराठे वगैरह भेज दिए, इतना जल्दी ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं, तो उनको 8:30 9 o'clock तक निकलना रहता है। तो इसके लिए मिर्ची प्याज टमाटर पीनट और सूजी लिए, और सबसे पहले कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और पहले सूजी को अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि वो लाइट ब्राउन कलर की नहीं हो जाती तब तक उसको और ऑयल डाल के फिर उसको सेकने से ये होता है कि बाद में जब बना पानी के अंदर सूजी को डालते तो उसकी गुठलियाँ नहीं बनती बड़ी बड़ी, ये सेपरेट हो जाती है ऑयल डालने से, तो उसमें गुठलियाँ लम्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लम्स पड़ जाते हैं, नहीं तो बहुत बड़े बड़े, तो उपमा बनाना टफ होता है। तो ऑयल में थोड़ा सा सेक लिया तो फिर ये सेपरेट रहेंगे वो। और अभी इसको अच्छे से पका लिया तो इसको निकाल देंगे अलग से, और अभी इसी कढ़ाई के अंदर प्याज टमाटर पीनट इन सबको पकाएंगे। तो इसमें राई डलती है तो मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया और उसमें राई डाली। अब उसके बाद में अब इसमें डालेंगे पीनट, और हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद में इसके अंदर ग्रीन चिली डालेंगे। उपमा में रेड चिली नहीं डालते, तो ग्रीन चिली आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं, उस हिसाब से मैंने इतना ही डाला है। और जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद में इसमें प्याज और टमाटर दोनों चीज़ डाल देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, और फिर उसके बाद में प्याज डाल दिए तो अब टमाटर भी ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा पक गया है, तो टमाटर डालने के बाद में उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हो नहीं भी, क्योंकि उपमा वाइट ही बनता है। अगर आप रेस्टोरेंट में वगैरह कहीं पे भी खाओगे बाहर का तो उपमा वाइट ही होता है, रेसिपी हम यूट्यूब पे देखते तो भी वाइट ही होता है। पर जब मेरी शादी हुई थी, मैं भी पहले वाइट ही उपमा बनाती थी मेरे मम्मी के घर पर, और जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम उपमा बनाया था तो मैंने वाइट ही बनाया था, तो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने बोला कि तुमने हल्दी डालना भूल गई तुम उपमे में, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पे सब हल्दी वाला खाते हैं। और ये करेला की सब्जी है तो करेला की मम्मा बनाएंगे, सब काट के रख दिया है, अभी हम लोग जब खाएंगे तब बना देंगे वो, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो इसलिए मैं उपमा आपसे हल्दी डाल के ही बनाती हूँ, उनको लगा कि मैं भूल गई थी, बट वहाँ हमारे वहाँ वैसा ही वाइट ही बनता है। और अभी मैं जामुन जमा रही हूँ, हमारे खट्टे दही का जामुन जमाती थी तो रोज़ खट्टा ही होता था, तो मैंने हस्बैंड से स्वीट वाली शॉप से थोड़ा सा दही मंगवाया था कि जामुन के लिए मुझे फीका दही चाहिए, तो फीके से फीका ही जमेगा, नहीं तो बहुत खट्टा हो रहा था। और अभी ये प्याज टमाटर अच्छे से पक गए हैं, अब जितना सूजी लिया है उसका 4 टाइम्स अपने को पानी ऐड करना है, तो 1 कटोरी सूजी लिया था तो मैंने उसका 4 कटोरी में पानी डालूंगी उसके अंदर, और जब तक वो अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता तब तक ढक्कन लेके उसको पकाएंगे ढक्कन लगाने के बाद में। तो ये मैंने उसका 4 कटोरी, 1 कटोरी सूजी तो उसका 4 कटोरी पानी डाल दिया है, और अभी इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे, अच्छे से उबल गया है तो अब इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड करेंगे। और अपने को लगता है पानी ज़्यादा हो रहा है बट नहीं होता, वो थोड़े टाइम पड़े पड़े अच्छे से वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती है पूरा के पूरा। तो ये अच्छे से अभी देखना, अभी 5 मिनट के अंदर अंदर सारा पानी सोख लेगी, तो ये मैं धीरे धीरे चलाते जा रही हूँ, थोड़ी से ही टाइम में ये पानी पूरा गायब हो जाएगा, ये देखो इतना थिक हो गया है। और अभी बंद कर देंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, खाना भी टफ हो जाता है। तो अभी ये हमारा उपमा बन के रेडी हो चुका है, और बच्चे स्कूल गए तो घर में इतनी शांति, एकदम घर क्लीन भी है, बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं है, बट थोड़ा अजीब भी लगता है थोड़ा अच्छा भी लगता है, मिक्स कॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके गाइस, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।